गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एवरीडे मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं डेली बेसिस पे जितने मेकअप यूज़ करती हूँ या जितना मेकअप यूज़ करना पसंद करती हूँ, मैंने सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती, या यूँ बोलूँ बहुत ज़रूरी होता है तो ही मेकअप करती हूँ। जी हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोगों के पास या तो टाइम नहीं होता या दिल नहीं करता इतने सारे मेकअप करने का, क्योंकि मेकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, मैं जो आप लोगों के साथ मेकअप लुक लेकर के, जिसे मैं रेगुलर बेसिस पे भी करना पसंद करती हूँ या बोलूँ इससे कम ही करती हूँ, आप लोगों शायद मैंने ब्लश वगैरह जो यूज़ किया है तो आप लोगों को शायद दिखाने के लिए मैं कभी कभी लगाती हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इतना मेकअप करना पसंद नहीं करती। और मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ किए, ज़रूरी नहीं कि आप उसी को ही यूज़ करें, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे काजल यूज़ किया है, तो आप काजल नहीं लगाते तो आप आईलाइनर लगा सकते हैं। मतलब मैंने पिंक लिपस्टिक यूज़ की, तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए। मीन्स अपने फेस को क्लीन होना बहुत ज़रूरी मेकअप करने से पहले, तो अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैंने मॉइस्चराइजर ऑलरेडी लगा रखा है, मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर लगाया था। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। चूंकि ये एवरीडे मेकअप लुक है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मीन्स हम प्राइमर वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट अपने फेस पे क्रीम लगाएंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं करी, क्योंकि एवरीडे मतलब डेली बेसिस पे हम फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करते। तो मैं यहाँ पे सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे NYB की सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पॉन्ड्स की या गार्नियर, जिस भी ब्रांड की आपको सीसी क्रीम आप यूज़ करते हैं या पसंद, आप इसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे NYB की सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, इसमें SPF भी है, मतलब सनस्क्रीन लोशन भी है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लगाने। अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन है, तो हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। हम इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे कंसीलर का यूज़ अलग से नहीं कर रही, तो मैं इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ करूँगी अपने आईज़ के ऊपर एंड आईज़ के नीचे। और हम इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। बेस को सेट करेंगे। बेस को सेट करने के लिए आप चाहे तो लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेबी न्यूयॉर्क का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, आप इससे जगह कोई सा भी जो आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं लैकमे वगैरह का, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि विंटर का दिन है, अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई लगने लगेगी। तो बस हल्के हल्के से हमें इसे सेट करना है। आइस पे अपने अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपके से जो एरिया है जहाँ ऑयली आपको लगता है वहाँ इसको हल्का हल्का से लगा लेंगे, ताकि हमारा बेस जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। जी हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आईज को, अपनी आईब्रो को शेप देंगे। जी हाँ, ये ऑप्शनल है, मैं आप जैसे डेली यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एवरीडे मेकअप लुक है, तो मैं अपने आईज को हल्का सा शेप देती हूँ आईब्रोज को अपने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्लैम 21 की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप इसी जगह कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा जो शेड है वो ब्राउन है। जी हाँ, क्योंकि मेरे जो आईब्रोज का कलर है वो ब्राउन है, मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है ना बहुत ज़्यादा ब्राउन है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड का यूज़ कर रही हूँ। आपकी अगर ब्लैक है तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज अब हमारी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो है आईलाइनर। जी हाँ, अगर आप आईलाइनर डेली बेसिस पर लगाना पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते तो आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक है तो इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने का टाइम नहीं होता, या बोलूँ तो इतने सारे करने का दिल नहीं चाहता। तो मैं आप सिंपल ट्रिक बताऊंगी, मैं यहाँ पे काजल का यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, मैं इससे आईलाइनर भी, एज आईलाइनर एंड एज अ काजल भी यूज़ करूंगी। तो मैं यहाँ पे NYB का ये एप्पल, द बिग एप्पल ऑफ माई आई, जी हाँ, मैं इस काजल का यूज़ करूँगी। ये जेट ब्लैक काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है, एंड बात करूँ इसकी तो ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अपने आंखों के ऊपर एज अ आईलाइनर भी लगाऊंगी और एज अ काजल तो मैं इसे यूज़ करूँगी। तो मैं सिंपल बस इससे हल्का सा काजल लगाऊंगी। दोस्तों, देख सकते कितना अच्छा विंग आईलाइनर लग करके मेरा तैयार है।
और जैसे मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया है, आप चाहें तो मैं जैसे मैंने बताया कि काजल, तो मैं इसे एज अ काजल पे आपको लगा करके दिखा दे रही हूँ। चूंकि मेरी आंखें जो बहुत बड़ी नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आपकी आंख बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है जैसे मेरी तरह, तो आप हमेशा अपने काजल को पूरी आंखों में लगाने की बजाय आप हमेशा अपने आंखों के आधे पार्ट में काजल लगाएं। जैसे इनर कॉर्नर में आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से अगर आप काजल अपने लगाएंगे तो आपकी जो आंखें वो बड़ी दिखाई देंगी। या इस तरीके से हमें काजल लगाना है। और हाँ, मैं यहाँ पे काजल जो है वाटर लाइन के बाहर लगा रही हूँ, मैं वाटर लाइन पे काजल नहीं लगा रही, क्योंकि हमें से अक्सर लोगों को होता है कि जब काजल लगाते हैं तो आंखों से पानी निकलने लगता है, तो हम यहाँ पे वाटर लाइन के बाहर काजल लगाएंगे। जी हाँ, अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है मस्कारा। जी हाँ, मस्कारा जरूरी है लगाना, और मस्कारा लगाने से हमारी जो आंखें होती है बहुत अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी लगती है। तो मैं यहाँ पे मस्कारा का यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लैक्मे आइकॉनिक का कर्लिंग मस्कारा यूज कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम यहाँ पे मस्कारा का यूज करेंगे। सेम हम इसी तरीके से अपने लोअर लैश को भी लगाएंगे। हमारा आई मेकअप तैयार हो गया। अगर आप डेली बेसिस में अगर आई शैडो लगाना पसंद करते हो तो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं नहीं लगाती तो मैंने इसे नहीं लगाया है। अब हम क्या करेंगे, हम से बस लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है ब्लशर या हाइलाइटर। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ब्रिक हाइलाइटर यूज करी, इससे सारे शेड है, मैं आपको खोल करके भी दिखा दूँ। मेरा शेड जो है वो है 03। जी हाँ, इससे बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा दूँ। जी हाँ, इसमें सिल्वर है, रोज कलर है, गोल्डन है, बहुत प्यारे प्यारे कलर है। तो आप इसे एज अ हाइलाइटर है या एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लशर। जी हाँ, बिल्कुल मैंने जैसे कहा ये ऑप्शनल है, अगर आप डेली बेसिस पे ब्लश लगाना पसंद नहीं करते तो आप इसके बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, या हाइलाइटर लगाते हो तो हाइलाइटर लगाना पसंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किया आपने देखा, मैंने हाइलाइटर हो सॉरी चाहे सीसी क्रीम हो चाहे कॉम्पैक्ट, मैंने इस ब्लेंडर का ही यूज़ किया, तो मैं सेम इसी ब्लेंडर से आपको अपना ये लगा करके भी दिखाऊंगी। ये जो सेकंड शेड है इसका पिंक, मैं इसको एज अ ब्लश अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी। थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना हमको, और बस इस तरीके से इसको लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम अपने फेस पे भी लगाएंगे, अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और लास्ट चीज जो हमारी है वो लिपस्टिक। जी हाँ, बिना लिपस्टिक के तो मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता, तो लास्ट चीज जो हम इसमें लगाएंगे वो है लिपस्टिक। और लिपस्टिक भी मैं NYB की ही यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे NYB की ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। ये है लिप्रॉन, इसका जो शेड है वो 9 है, और यहाँ पे मैंने इसे अभी ऑर्डर किया था। ये है NYB की लिपस्टिक का, इसका जो शेड है वो है 33, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये बिल्कुल नेचुरल शेड है, अगर आप ऑफिस जाती हैं या कॉलेज जाती हैं तो उसके लिए कलर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल न्यूट कलर होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं। आप इसकी जगह चाहें तो ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं सिंपल पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैं इसे एज अ आउटलाइन भी इसी से करूँगी। जी हाँ, लिपस्टिक लगाने से पहले अच्छे से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लीजिए, मीन्स अपने लिप्स पे वो अच्छे तरीके से लिप बाम लगा लीजिए, ताकि आपकी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा पैची ना लगे। तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, अब हम जैसे मैंने बताया इस तरीके से अपने लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा सिंपल एंड इजी एवरीडे मेकअप लुक, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपने देखा कितने इजी, मैंने मुश्किल से 4 या 5 प्रोडक्ट ही यूज़ किए और हमारा अच्छा खासा सिंपल मेकअप लुक तैयार हो गया, और ये बहुत इजी भी है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए थे, आप उसकी जगह अपने हिसाब से कोई से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल भी था, मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए थे उन वो बहुत ही मैक्सिमम जिसका रेंज होगा 300 या मैक्सिमम 300 या 400 के आसपास ही होंगे, इसके अलावा बहुत ही कोई एक्सपेंसिव भी नहीं था। तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है।
मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए थे, अगर आपके जैसे मैंने आईलाइनर लगाए तो आप आईलाइनर ना भी लगाए तो भी चलेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक? अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा तो प्लीज 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।